जिसमें कुछ पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी का है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, स्कूल लेवल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर मेंस में कुछ पोर्शन है, और सबसे बड़ी बात वेव्स के अंदर ऐसा पोर्शन है जो एक्सक्लूसिव एडवांस के लिए है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एडवांस के अंदर ही आती हैं। तो सारे चैप्टर में ऐसा है नहीं, इसमें स्पेशली ऐसा है। तो मैं कुछ क्लासेस लगाऊंगा, तो आप जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना, ठीक। सो अभी नेक्स्ट जो हमने काम करना है प्रोजेक्टाइल पे, सी प्रोजेक्टाइल बड़ा सिंपल और आसान चैप्टर है वो, हालांकि शुरू में अजीब लगता है लोगों को, लेकिन वो कितना का है मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो कितना का है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, बात कोई ना करे प्लीज़, प्रोजेक्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज़, कोई भी प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है, दो केस हैं, या तो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा या फिर ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में साइमल्टेनियसली डिस्टेंसेस कवर होते हैं। प्रोजेक्टाइल के अंदर लेट अस सपोज ये डिस्टेंस वाई है, और ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया टॉप ऑफ द टावर से, तो यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो इस केस में प्रोजेक्टाइल में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इंक्रीज 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 होती है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। प्रोजेक्टाइल एक्स डिस्टेंस पे आया तो एक इक्वेशन बनेगी वाई एक्सिस में और एक इक्वेशन बनेगी एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या अप्लाई करोगे? एस इज इक्वल टू वी टी, और वाई एक्सिस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में एस का मतलब है एक्स इज इक्वल टू वी, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इनटू टी, तो टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी, इक्वेशन नंबर वन। और ऐसी वाई एक्सिस में वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन है, तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के अंदर मैंने बता दिया एक्स इक्वल टू वी टी। तो वाई यहां से टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो वाई कम्स आउट टू बी हाफ इंटू जी इंटू कितना? एक्स बाई वी का होल स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू जी बाई वी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि जब भी आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो उसका जो पाथ फॉलोड होगा वो कैसा होगा? इन अ पैराबोला। तो ये आपको प्रूव करना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन फॉर रेंज, और जो हम जो दो तीन टॉपिक्स हैं जिसके अंदर रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना एंड सो ऑन। तो एक प्रोजेक्टाइल के अंदर सपोज वी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा किया, सपोज करो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आया, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? एच एम है, और ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे कितनी दूरी पे गिरता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने का टाइम को टाइम ऑफ असेंट, और नीचे आने का टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहली चीज, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, वी इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड वी इंटू साइन ऑफ थीटा, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। क्लियर यहां तक? सो प्रोजेक्टाइल के अंदर सपोज करो आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है एच ऑफ एम, तो आप एक काम करो टॉप, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज 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 करते करते टॉप मोस्ट पॉइंट पर